नमस्कार दोस्त। वीडियो के अंदर सभी एग्जाम्स के लिए जो टॉप इम्पोर्टेंट 20 नंबर सीरीज़ है उनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे और कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर कुछ लॉजिक काम कम ही करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ध्यान में रखना होता है। आप एक स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू जाके उन नंबर सीरीज़ को कई बार नहीं कर पाते हैं, तो कुछ वैसी नंबर सीरीज़ और कुछ सारी स्टैंडर्ड टाइप के नंबर सीरीज़ जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, उस टाइप की नंबर सीरीज़ अपन लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो कंटिन्यूअसली। हमारे चैनल के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सब। दोस्तों अगर नंबर सीरीज के अपन बात करते हैं तो मैंने दो लेक्चर पहले से ही नंबर सीरीज के बना दिए हैं SBIPO क्लास सीरीज में। काफी आप लोग उनको पसंद भी कर रहे हो और काफी कॉन्सेप्ट वो ईजी भी है अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन उस कॉन्सेप्ट के बाद में भी कुछ नंबर सीरीज एग्जामिनर ऐसी बना देता है जो कि समझने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है और एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है, उनको नहीं निकल पाती है, फिर टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो आप लोगों को काफ़ी सारी परेशानी वहाँ पे झेलनी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसी सब का समाधान करने के लिए मैंने कुछ नंबर सीरीज़ का यहाँ पे कलेक्शन में लेके आया हूँ, तो वो आप लोगों को मैं सोल्व करवाऊंगा यहाँ पे। तो शुरू के अंदर में तीन नंबर सीरीज़, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ अलग ही तरीके की नंबर सीरीज होती हैं जिनमें डायरेक्ट लॉजिक लगते हैं। वहाँ पे आप लोग अगर डायरेक्ट वैसे एकदम स्टैंडर्ड मेथड से जाओगे तो नहीं हो पाएंगी, वहाँ पे कुछ अपना ही उनका लॉजिक होता है, उस तरीके से होंगे। उसके अलावा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखो नंबर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, दो ही टाइप की नंबर सीरीज़ हो सकती हैं। एक तो डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम के अंदर, एक हो सकती है एसेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम के अंदर। डिसेंडिंग घटता क्रम में, इसका मतलब या तो डिवाइड हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, ठीक है। इसके अंदर एसेंडिंग में या तो प्लस हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी मैंने क्लासेज में समझाई हैं। अगर आप इस लेक्चर में 20 ये नंबर सीरीज देखेंगे तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। दूसरी ये बात होती है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर सीरीज होती है वो अपन डिफरेंस मेथड से निकाल लेते हैं, यानी कि दो नंबर्स का डिफरेंस निकालते हुए जाते हैं। जहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का अपना ऑप्शन नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन डिफरेंस से ही नंबर सीरीज को वहाँ पे सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड की नंबर सीरीज जिसके ऊपर कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, सिर्फ वो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जाम में किस तरीके से आप लोगों को लॉजिक लगाना है। तो पहला, इसका कोई रूल नहीं है मेरे पास, सिर्फ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए नंबर सीरीज बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती हैं। देखो नंबर सीरीज देखने में बड़ा ही अजीब सा लगेगा आपको, पहले एक नंबर देगा 5, 8, 8, 8, ठीक है, और 20। अब ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा ए ऑप्शन 40 हो गया, बी ऑप्शन 38 हो गया, सी ऑप्शन 8 हो गया, और डी ऑप्शन आपका 10 हो गया, और ई ऑप्शन आपका हो गया 12। अब आपको लगेगा यार 8 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तीन तो पहले से आ रहे हैं। बड़ी अजीब सी देखने के अंदर सिचुएशन लग रही है। यहाँ पे मेरा कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से हो सकता है। देखो मल्टीप्लाई बाई 2 10 और -2 आ गया, ठीक है। इस बार करना है डिवाइड बाई 2, 4 आ जाएगा, ठीक है, +4 इसका डबल 2 का। नेक्स्ट आ जाइए, इस बार होगा मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 16 -8, 4 का डबल, देखो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, चलता जा रहा है मामला, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई हुआ फिर डिवाइड हुआ, चलो भाग लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हुआ, इस बार फिर से क्या होगा, भाग होगा, डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, 8 दूनी 16 +16, ठीक है, तो 20 आ गया। अब इस 20 में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा यानी 40, 16 दूनी 32 माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, फिर से आपका 8 आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड नंबर सीरीज ये एकदम से कॉन्सेप्ट यही लगेगा, एग्जाम में देखने को मिले तो डायरेक्ट कर देना, काफी बार पूछा जाता है। दूसरा आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, देखिएगा अजीब सी देखने में फिर से ये नंबर सीरीज आपको लगेगी, 2, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन मार्क, ये नंबर सीरीज हो गया। अब इसमें भी बड़ा अजीब सा, 2, 2 फिर 3 हो गया फिर 4, 4 हो गया, क्या लॉजिक लग रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 आ गया -2 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। इस बार क्या होगा, डिवाइड बाय 2 यानी कि 1
प्लस टू, एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर मल्टीप्लाई बाय टू सिक्स, इस बार माइनस टू यानी कि फोर। अब डिवाइड होगा टू तो फिर से टू हो गया, इसमें इस बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो रहा है टू, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार डिवाइड हो रहा है, बस ये स्टैंडर्ड यहाँ पे मेथड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई भी यूज में आ गया, डिवाइड भी यूज में आ गया, प्लस भी यूज में आ गया, माइनस भी यूज में आ गया, मल्टीपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रही है। चारों के चारों साइन यहाँ पे काम में आ चुके हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए सबसे पहले इसलिए मैंने दो सीरीज करा दी, ताकि कोई अगर 2 या 3 मिनट भी वीडियो देखे तो एटलीस्ट ये नंबर सीरीज यहाँ से देख के जाए, ताकि उसको एग्जाम में कभी आ जाए तो डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई टू 8 आ जाएगा, फिर माइनस टू यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये दो एकदम से ही कुछ स्टैंडर्ड टाइप की नंबर सीरीज थी। अब अपन लोग सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए चलेंगे, और 17-18 नंबर सीरीज और करेंगे अपन लोग। दो अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 18, 10, 6, 4, 3 क्वेश्चन मार्क। अब देखो डिवाइड एटलीस्ट टू से तो होगा, तो 9 आना चाहिए था, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे प्लस वन करोगे फिर प्लस वन करोगे, कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों का। ठीक है, दो चीज़ों से कर सकते हो, डिवाइड भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड कम से कम किसका होगा, दो दो से होगा। तो देखो डिवाइड बाई टू किया, 9 आ गया, 9 में फिर क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, फिर से एक बार डिवाइड बाई टू कर दो तो 5 आ जाएगा, 5 में फिर एक बार फिर से प्लस वन करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एक बार डिवाइड बाई टू होगा 3, फिर प्लस वन जोड़ दीजिए, फिर डिवाइड बाई टू होगा 2 आ जाएगा, प्लस वन जोड़ दीजिए, फिर से डिवाइड बाई टू हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, और उसके अंदर वन जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया यहाँ पे। दूसरा जो तरीका अपन बात करते हैं, डिफरेंस से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा 8, 4, 2, 1 आधा होता जा रहा है, 8 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, तो अगला डिफरेंस क्या होगा, 0.5 का ही होगा, क्योंकि डिसेंडिंग है अपनी नंबर सीरीज, तो माइनस ही होगा। तो 3 माइनस 0.5 आपका हो जाएगा 2.5, कैसे भी कर सकते हो, डिफरेंस से भी इजीली हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो डिसेंडिंग थी तो मुझे पता था या तो डिवाइड से होगी, डिवाइड से नहीं होगी तो अपना जो डिफरेंस मेथड है उससे तो होनी ही होनी है। देखो 5 नंबर सीरीज आती है ना, तो 3 तो आपकी डिफरेंस से ही हो जाएंगी, वो अलग बात है कि आपको 2 बार डिफरेंस करे या 3 बार डिफरेंस करना पड़े, लेकिन डिफरेंस से डेफिनेटली आपकी जो होगी वो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2, 6, 12, 20, 30, 42 और क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई की बात करेगा तो 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 42 आ जाएगा, चलो शुरू में दिख रहा है 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 42 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई की तो सीरीज की बात ही नहीं बनती, तो सीधा डिफरेंस निकालना चालू कर दो, दिमाग मत लगाओ फालतू का। यहाँ पे ये 12 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, तो जो आगे का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 14 होगा, 4, 6, 8, 10, 2, 12, तो यहाँ पे 2, 2 का इंक्रीज होता जा रहा है, तो आगे वाला जो डिफरेंस होगा 14 होगा, यानी कि 42 प्लस 14, यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा लेकिन डिफरेंस में फिर डिफरेंस में नहीं जाना है, फिर से मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं तो लॉजिक वहाँ पे लग नहीं पाएगा एग्जाम के अंदर, ऐसा नंबर सीरीज आते हैं आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 15, 25, 41, 67 और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखना 41 से 67 मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं होगी, प्लस या माइनस की होगी, तो डिफरेंस निकालो 2, ठीक है 4, 6, 10, ठीक है 16, 26। अब देखो कुछ समझ नहीं आया, 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 10 जुड़ गया। ठीक है, 2, 2, 4, 6, 10,
लेकिन दो 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 बार आ गया तो समझ नहीं आया कि लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे देखना, इस 2 और 4 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 प्लस 4। इस 4 और 6 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 4 प्लस 6 10। ठीक है, इस 10 और 6 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 10 और 16 को जोड़ोगे तो 26 आ जाएगा। तो 16 और 26 को जोड़ोगे तो अगला नंबर आपका होगा 42, और 67 प्लस 42 जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखिएगा, धीरे धीरे अपन लोग बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में करते हैं। 1 6 15, इस बार बीच वाला नंबर अपन पूछ लेते हैं कि ये वाला नंबर क्या होगा, 45 66 एंड 91। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ क्लियर है कि मतलब मल्टीप्लाई की सीरीज तो ये हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 66 और 91 में क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, नहीं हो सकता मल्टीप्लाई। तो डिफरेंस निकाल के देखो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के ऊपर जाओ। 5 9, यहाँ नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, 21 21 ही होगा, उसके आगे का 25। अब देखो, इसमें और इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें भी 4 का डिफरेंस है, तो एक बार ट्राई ले लो, क्या पता हो सकता है यहाँ पे भी 4 का हो। तो 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, बैठ गया माहौल अपना। 15 में 13 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा आपका आंसर। बस इसी तरीके से नंबर सीरीज को बैठाना होता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक नंबर सीरीज, थोड़ा सा मैं ऐसे ही समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, 4 9 16 25 36 क्वेश्चन मार्क। हालांकि नंबर सीरीज नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता हो, स्क्वायर का थोड़ा सा आइडिया हो, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल देखो, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 ही आएगा। थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दिया मैंने। 7 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1 2 5 12 27 58 121, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये 121 नहीं लिखना है आपको यहाँ पे, इसी को निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतनी नंबर सीरीज काफ़ी है इसके अंदर, 1 2 5, ठीक है, हो गया काम। चलिएगा यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। अब देखो एक बात ध्यान से देखना आप लोग, जब भी ऐसी नंबर सीरीज आए, पता चल रहा है कि यार मल्टीप्लाई का मामला हो सकता है कहीं कहीं पे। देखो, 1 से 2 आ गया, 2 से 5 आ गया, 5 से 12 आ गया, 27 से 58 आ गया, तो 27 दूनी तो 54 ही होता है। तो देखो, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 54, 54 में 4 जोड़ा तो ये आ गया, समझे बात, ठीक है। 57 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 58 के एकदम नज़दीक आ जाए, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 54 आ गया, 4 उसमें ऐड कर दिया। अब देखो, 12 में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 प्लस 3 हो गया। अब फिर देखना, ये मल्टीप्लाई बाई 2, 10 प्लस 2 क्या, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 से ही होगा। 58 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 116 आ जाएगा, 116 में 5 जोड़ूंगा, क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसने दिया, ये जो 27 और 58 है, इसने ही दे दिया आपको। पीछे तो आपने सेम अप्लाई करके देखा है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई में ये देखना है कि 27 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 58 के एकदम से नज़दीक पहुंच जाए। 3 बार कर ज़्यादा होता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम नज़दीक पहुंचाना है। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 54 पहुंचेगा, एकदम नज़दीक पहुंच जाएगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को एक ये हमारे जो फेसबुक पेज और ग्रुप है, उसके अंदर जरूर से जुड़ जाना चाहिए, लाइक कर लेना चाहिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो भी फ्री स्टडी मटेरियल है, नोट्स से और बाकी अपडेट्स से, वो आप लोगों को मिलती रहें, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपडेट्स मेरे को बतानी थी। इसके अलावा एक अपडेट और है यहाँ पे कि बैंकर्स फ्रंट ने एक अपना एक प्लेटफॉर्म खोला है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.bankerspoint.org, ठीक
ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग अपने घर पे बैठे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो बैंक पीओ हो, एसएससी हो, या फिर कोई भी और एग्ज़ाम हो। तो वेबसाइट ये है आपकी जो कि नीचे लिखी हुई है, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। एसएससी सीएचएसएल का भी टारगेट बैच चल रहा है, उसके अंदर एडमिशन लेना है तो आप लोग आ सकते हो, एकदम हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। 2018 की जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए, आईबीपीएस पीओ क्लर्क सारी चीज़ों के लिए एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं, तैयारी करवाना हम लोग चालू करवा चुके हैं, तो वहाँ के बैच के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब अपन लोग अपना आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट नंबर सीरीज पे बढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ लोग बच्चे बोलते हैं सर स्टडी मटेरियल कहाँ से करें, तो देखो जो ऑनलाइन कोचिंग है वो तो अपनी ये है, ठीक है, bankers.point.org, ये तो हो गई कोचिंग के लिए, ठीक है। अब किसी को चाहिए फ्री स्टडी मटेरियल, देखो ये लिखा है ना ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो ये हो गई, ठीक है, bankers.point.org जो ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी को फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए और एग्ज़ाम अपडेट्स चाहिए, बाकी सारी अपडेट्स चाहिए सीएचएसएल बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको जो बेस्ट मटेरियल है जो मेरे द्वारा रिकमेंडेड होता है, वो हमारी टीम एक नई वेबसाइट के ऊपर काम कर रही है, जिसके ऊपर हम लोगों ने अपलोड किया है काफ़ी सारा मटेरियल, काफ़ी सारा आने वाला है, वो है bankersway.com। तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं और फ्री मटेरियल यहाँ पे एसेस कर सकते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी तो उसके बाद में हमने एक प्लेटफॉर्म और बनाया है जहाँ पे आप लोग फ्री मटेरियल एसेस कर सकते हैं, वन क्लिक यहाँ पे डाउनलोड होता है, बिल्कुल एड फ्री वेबसाइट है, कोई एड यहाँ पे नहीं आप लोगों को शो होगा अभी तक। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लोग, कुछ स्टैंडर्ड टाइप जो मैंने स्क्वायर बताया था उसी के ऊपर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 7 नहीं 8 9, क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुँच चुके हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो कुछ नंबर्स हैं वो याद कर लेना भाई आप लोग, 15 24, ये क्वेश्चन मार्क हो गया 48 और 63, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो ये लगेगा डिफरेंस से हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए डिफरेंस से निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ का डिफरेंस हो गया 5, ठीक है, यहाँ का डिफरेंस हो गया 7, यहाँ का डिफरेंस हो गया 9, तो होपफुली यहाँ का डिफरेंस 11 आएगा, यहाँ का डिफरेंस 13 आएगा, तो यहाँ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, पूरा मामला सेट हो चुका है। तो 24 में 11 जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया 25 और 35, इजीली हो गया ना क्वेश्चन। अब कई लोग अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और वो आप लोगों को कैसे बताएंगे इसी को, 3 8 15 24 क्वेश्चन मार्क 48 63, वो आपको ऐसे बताएंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, फिर बोलेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 35 आ जाएगा, और ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1। भाई हम क्यों जाएं, जब डिफरेंस से सीरीज हो रही है तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं, डिफरेंस से इजीली निकालिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं यहाँ पे, चलिएगा देखो 5 14 41 86, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल है, देखो मल्टीप्लाई की आप लोगों को संभावना दिखाई दे रही है, यहाँ पे 41 को 82 से मल्टीप्लाई किया, 4 जोड़ा, तो सबसे पहले तो संभावना पे काम कीजिए, वो नहीं हो तो कुछ और करेंगे, हो सकता है कई बार अपना, ये तो अपने ऐसे रूल बना लिए, तो एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है नंबर सीरीज में। तो मैंने देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, ठीक है, तो 82 आ गया, प्लस यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। अब देखो 14 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि पहुँच जाए 41 के पास में, 14 दिन, ठीक है, 28 और 14 42, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 42 आ गया, -1 हो गया, ठीक है। 5 को कितने से करूँ, 3 से कर दूँ या फिर 2 से कर दूँ, 2 से करूँगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 10 प्लस 4, कुछ भी बैठ नहीं रहा है, कुछ भी एकदम एग्जैक्टली कुछ भी यहाँ पे सेटलमेंट यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा है, तो क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखो फंस गए यहाँ पे, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से यहाँ पे अपन लोग चल सकते हैं, तो इसको एक बार हटा देते हैं और फिर मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई की संभावना यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी नंबर सीरीज क्या है, असेंडिंग ही तो है,
असेंडिंग में दो ही चीज़ हो सकती है, या तो प्लस या मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की संभावना खत्म हो गई, तो क्या हुआ होगा? प्लस हुआ होगा, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे आप लोग निकाल के चेक कर लो। डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे 9, 27, 45, 9 तिया 27 गुणा 3 हुआ, ठीक है। देखो 9 का पाड़ा बोलो, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अब किससे होगा? 7 से होगा, तो 9 संती 63 जोड़ दो भाई, 63 को 86 में जोड़ दो तो 149 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। मैं आपको 20 नंबर सीरीज कराने की सोच रहा हूँ, लेकिन इन दिनों थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैं काफ़ी कंटिन्यूसली बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन इस वीडियो को तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही। एक सेकेंड, 5-10 सेकेंड में थोड़ा सा, ओके वी विल कंटिन्यू नाउ। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुँचते हैं, थोड़ा धीरे बोलूँगा अब मैं। 2, 11, 7, 16, 12 क्वेश्चन मार्क, 17 और 26, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कभी प्लस कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों चल रहा है नंबर सीरीज में। देख लो, यहाँ पे +9 हुआ, यहाँ पे -4 हुआ, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ? देखो फिर से +9 हुआ, -4 हुआ, तो फिर क्या होगा? +9 होगा, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। चेक करके देख लेना, 21 में -4 करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। और 17 में फिर से क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। हो गई नंबर सीरीज, नेक्स्ट पे बात करते हैं। 3, 22, 7, 45, 15 क्वेश्चन मार्क, 31। अब देखो यहाँ पे बड़ा फर्क आ रहा है कि भाई नंबर इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो जब भी ऐसी कोई नंबर सीरीज दी हो, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा ये आइडिया लगा सकते हो कि ये 3, 7 से संबंध होगा, फिर 7, 15 से संबंध होगा, इसी तरीके से 12, 45 से संबंध होगा, और ये जो 15 है ये 31 से संबंध होगा, ये 45 यहाँ पे जो नंबर आएगा इससे संबंधित होगा। तो देखो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 क्या हो गया? 7 आ गया। 22 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 42 आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 15 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 90 प्लस 1 91 आ जाएगा। और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1 करूंगा, तो 31 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल नंबर सीरीज है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दिस लेक्चर इस टाइम पे, चलिए कंटिन्यू करते हैं इन बातों को छोड़ के। 25, 16, 9, 4, 1, 0 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं था समझाने के लिए, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा था कि भाई माइनस में भी स्क्वायर जा सकता है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर था, 4 का था, 3 का था, 2 का था, 1 का था, यहाँ 0 का था, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। बस यही समझाना था यहाँ पे मेरे को, सिंपल सी चीज़ है, सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिएगा अब एक जो नंबर सीरीज में अभी बता रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, 16, 8, 12, 30 क्वेश्चन मार्क, 4, 7, 2.5, बड़ी ही दुविधाजनक स्थिति है। सिंपल बात समझ में आ रही है, 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ, 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ, 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 105 आ जाएगा, ठीक है। 105 को आप लोग 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही नंबर यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि सर कैसे पता चलेगा? पता तो देखो 16 से 8 आ रहा है तो पता चल गया आधे से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टैंडर्ड नंबर सीरीज आपको ध्यान में आ जानी चाहिए। उसके बाद में 8 से 16 जाता तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता, 8 से 8 रहता तो 1 बार मल्टीप्लाई, लेकिन 8 से 12 जा रहा है तो 8 से 12 आने के लिए तो 1.5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ईजिली समझ में आ रही है बात, 15। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा सेम पैटर्न्स की, तो आपको इजीली यहाँ पे क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो आ जाइए, कुछ ये भी अच्छी नंबर सीरीज है, देखिएगा। यहाँ पे डिफरेंस हो गया 4, ठीक है।
और यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 16, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है, 5 का स्क्वायर बनेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, प्लस इसको 25 करेंगे तो यहाँ पे 100 माइनस हो रहा है ना, तो माइनस 125 करेंगे तो 144 हो जाए डिसेंडिंग नंबर सीरीज से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था आप लोगों को, ये तो हो गया स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए किसी बच्चे के ध्यान में नहीं रहा स्क्वायर, तो घबराना नहीं है, डिफरेंस पे डिफरेंस निकालते चलो। देखो ये डिफरेंस कितना था आपका, 5 था, ये कितना है, 7 है, तो आगे का डिफरेंस कितना होगा, 9 होगा, तो 16 और 9 25, तो 169 में 25 माइनस कर दो क्योंकि डिसेंडिंग की नंबर सीरीज है, तो 144 आ जाएगा। घबराना नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा, तो डिफरेंस का लॉजिक अपना चलता है हर जगह भाई, स्क्वायर क्यूब सब जगह चलता है, ठीक है। 16 का आ जाइए, ठीक है जी, 3 4.5 16 था, क्या कहते, क्वेश्चन नंबर गड़बड़ हो गए मुझे ध्यान में नहीं है, तो चलो 3 4 नंबर सीरीज और कर लेते हैं अपन लोग, ताकि अपना कंप्लीट हो जाए 20 का जो टारगेट है, और उसमें सारे पैटर्न आ जाने चाहिए, 2 3 पैटर्न मेरे को और करवाने आप लोग। ये क्वेश्चन है, अब इसको देख के ही स्टूडेंट ये हो जाता है कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सिंपल सी चीज़ें समझ में आ रही है कि देखो मल्टीप्लाई का मामला चल रहा है, अब मल्टीप्लाई का मामला चल रहा है, 0.5 0.5 आ रहा है, तो 0.5 तो मल्टीप्लाई में रहेगा रहेगा, कहीं ना कहीं पर डेढ़ आधा कुछ ना कुछ आएगा, तो सीधा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 से होगा, तो यहाँ 2.5 से हो रहा है, 2.5 से करके देखो 9 दुनिया 18 और 4.5 22.5 हो गया, ठीक है, डेढ़ दो ढाई ये 3 से हो जाएगा, 3 से हुआ तो देखो 22 3 66 और डेढ़ कितना हो गया, 67.5, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई होगा ये 3.5 से हो जाएगा, जब आप इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 236.25 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 5 17 37 65 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 145, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नंबर सीरीज देखो 37 से 65 जा रही है, 65 से फिर एक छोड़ के 145 जा रही है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का तो कोई चांस ही नहीं बनता भाई, 65 से 145 जा रही है और बीच में एक नंबर भी छूटा हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंस ही होगा, सिंपल सा डिफरेंस निकालो आप लोग, समझ आ रहा है, 8 प्लस हुआ 8 प्लस हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये रहा 8 ये रहा 8, फिर से 8 आएगा तो 28 और 8 इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, तो ये 8 8 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कि 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 8 जोड़ा 28 और 28 में 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 36, ठीक है, तो 65 और 36 कितना होता है, 101 होता है, ठीक है। अब 101 के अंदर आप लोग देखो 36 में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 44, 101 और 44 जोड़ोगे तो 145 आ जाएगा, क्रॉस चेक भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 3 3 4.5 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ 22.5 और 67.5, अब मल्टीप्लाई तो हो रहा है और 0.5 में भी हो रहा है, तो समझ में आ रहा है सिंपल स्टैंडर्ड सीरीज है, यहाँ पे 1 से हो रहा है दिख रहा है साफ साफ, यहाँ 1.5 से हो रहा है, तो 0.5 बढ़ेगा तो यहाँ 2 से होकर 9 आएगा आंसर, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो लगा के आ जाना बस, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए 9 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 22.5 आएगा, 9 दुनी 18 और आधा और जोड़ दो 9 का 4.5 18 और 4.5 22.5, तो क्रॉस चेक भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, बड़ा ही सीधा सा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूँ, कई बार सिंपल लॉजिक भी समझ में नहीं आते हैं क्योंकि बड़ा नंबर दिया होता है तो देख के ही स्टूडेंट घबरा जाता है कई बार, ठीक है। अब देखा 7200 3600 1200 6010 क्या हो रहा है भैया, कैसे हो गया, नहीं कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग देखो कि 3600 कैसे आ सकता है 7200 में, 2 का डिवाइड करने पर आएगा भाई, डिवाइड का मामला चल रहा है, 2 का डिवाइड हुआ 1200 कैसे आएगा, 3 का डिवाइड कर दो, ठीक है, इसके बाद में 4 का डिवाइड होगा तो यहाँ पे सिंपल 300 आ जाएगा, ठीक है, 4 का डिवाइड हुआ फिर यहाँ पे 5 का डिवाइड होगा तो 60 आ जाएगा, ठीक है, 6 का डिवाइड होगा 10 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 16, यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर 24 12 36 और फिर 18, बड़ा ही दुविधाजनक काम है कि भाई पहले नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के नंबर्स को पकड़ लो, देखो यहाँ डिवाइड बाई 2 हुआ तो 18 हुआ, यहाँ गुणा 3 हुआ तो 36 हुआ, यहाँ डिवाइड बाई 2 हुआ, इसका मतलब पहले वाले में क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 रहा होगा और उससे पहले वाले में डिवाइड बाई 2 रहा होगा, तो डिवाइड बाई 2 किया तो 8 आ गया, 8 को 3 से गुणा किया 24 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 8 और क्रॉस चेक हो गया 24 से,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक यही क्वेश्चन थे अपने। फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते रहें। और बेस्ट सीरीज के लिए ओनली बोर्ड ऐप को यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक सामने आप लोगों के स्क्रीन के दिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस टाइप की वीडियोज़ आप लोगों को भविष्य में चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।